इस तरीके से इसको पूरा प्रेस, ताकि चिपक जाए पूरा इसके ऊपर। हेलो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए और पेज पे नए फॉलो कीजिए। बाकी इंस्टाग्राम में भी जाके बेकरी शेफ गिरीश पाठक लिख सकते हैं आप, वहाँ पे कमेंट वगैरह कर सकते हैं और लाइव मैसेज कर सकते हैं। आज बनने वाली है चीज़ मरोड़ी, जिसके लिए 1 किलो मैदा ले लिया है, यहाँ पर नमक ले लिया हमने 25 ग्राम, देख सकते हैं 25 ग्राम नमक है। इसको अब मशीन में डालेंगे गूंदने के लिए। उसके बाद पानी डालना आपने 530 ग्राम। देखिए पानी प्रॉपर 530 ग्राम, मैदे के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड होता है, कम ज़्यादा 10-20 ग्राम, तो इसमें 530 ग्राम लगता है। साथ में इसको पानी डाल के चला लेंगे। और यहाँ पे 50 ग्राम हमने ऑयल लेना है, देख सकते हैं 50 ग्राम ऑयल है जो रिफाइंड है, उसको भी साथ में डाल दिया। गूंदने तक वेट करना है, गूंदने के बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये गूंद के रेडी हो चुका है, इतना है 1 किलो का। और ये घी है, मार्जिन ना घी है जो 350 ग्राम है। इस तरह थोड़ा इसको प्लेन कर लीजिए, उसके बाद आगे दिखाते हैं किस तरह से लगा रहे हैं। इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया, उसके बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है ये। उसके बाद इसमें थोड़ा सा इस तरीके से फैला दिया जाता है बेलन से, और आगे का प्रोसेस इस तरीके से देखते रहें। किनारों से आपने फैलाना है और फिर थोड़ा हाथ से इस तरीके से प्रेस करके इसके ऊपर ये घी रख लिया, इसको पूरा इस तरीके से फैला लिया। आप थोड़ा थोड़ा करके पूरा मिल बेलने के बाद भी लगा सकते हो, लेकिन इस तरीके से ठीक है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। और साइडों से इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड आपने करना है इस तरीके से चारों कोनों से अलग अलग तरीके से। अच्छी तरीके से इसको दबा लीजिए, फोल्ड करने के बाद पूरा घी इसके अंदर पैक हो चुका है, ये देख सकते हैं। थोड़ा इस तरीके से बेलन से अब इसको बेल लेना है। अब इस तरीके से बेलन से आपका घी पूरे में फैल चुका होगा अंदर से। इस तरीके से इतना फैला लिया पूरा, अब इसको फोल्ड करना है आपने। सिंगल फोल्ड होगा ये अभी, देखिए इस तरीके से इधर और उधर से। और थोड़ा इस तरह से बेलन से इसको प्रेस करना है, ताकि अंदर का फोल्ड पूरा चिपक जाए। पूरा लंबा कर लिया इस तरीके से, देखिए देखिए इस तरह से पूरा लंबा। और फिर इधर और उधर से बिल्कुल बीच सेंटर में ले जाके इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। अब इसको कम से कम 45 मिनट के लिए इसको सेट करने रख देंगे, और इस तरीके से लिफाफे में पैक करके फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। तो गाइस यहाँ चीज़ मरोड़ी के लिए जो पिज़्ज़ा चीज़ होती है, इस तरह से प्रेस कर दिया। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो उसको डाल सकते हो। तो आगे का प्रोसेस आगे दिखाते रहते हैं आपको। यहाँ पे चिल्ली फ्लेक्स है इस तरह से, इसमें चिल्ली फ्लेक्स और ये पिज़्ज़ा स्प्रिंकल मसाला, थोड़ा इससे और टेस्ट बढ़ेगा। इसमें मिक्स करना है थोड़ा सा ओरिगिनो, थोड़ा सा देगी मिर्च, इस तरह से देगी मिर्च भी डाल दी इसमें। अब इसको मिक्स करना है, फिर दिखाते हैं आपको। फिर यहाँ पे हो चुका है ये अब सेट। अब इसके अंदर ये जो चीज़ है ये लगेगी, जैसे पेड़ रहते हैं पहले बेल लेते हैं।
देख सकते हैं गाइस, इसको एक बार बेल लेना है इतना, और उसके बाद इसमें दूध की पॉलिश, इस तरीके से दूध की पॉलिश कर दी जाएगी। फिर इसमें ये जो चीज़ है इसको इस तरीके से फैला लिया जाएगा, इसमें पूरा ये जो मसाला तैयार किया था ये पूरा फैला लेने के बाद आगे का, और दिखा बेलन से इस तरीके से इसको पूरा प्रेस, ताकि चिपक जाए पूरा इसके ऊपर। अब इसको फोल्ड किया जाएगा इस तरीके से, बिल्कुल भी ये कोना ले जाके बीच सेंटर में, और वहाँ से इस कोने तक। अब इसमें इसका ये डबल फोल्ड हो रहा है, एक फोल्ड पहले हो गया था, दूसरा फोल्ड चीज़ के साथ, पहला फोल्ड जो घी है उसके साथ होगा और दूसरा चीज़ के साथ। ये देखिए, इसको फिर से सेट करने के लिए रख देंगे, आधे एक घंटे के लिए इसको फिर से सेट करने रख देते हैं, उसके बाद आपको फिर दिखाते हैं आपेगा। तो गाइस ये हो चुका है पूरा सेट, और इसको आप निकाल के इसको बेला जाएगा। देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुका है ये, एक घंटे तक सेट करने के बाद इसको आप बेलेंगे इस तरीके से, इसको बेल लेंगे पूरा। ये बेलते बेलते पूरा बेल लेने के बाद आपको दिखाते हैं हम कि किस तरह का बना। देख सकते हैं इस तरह से बेल दिया ये पूरा। अब इसकी थोड़ी देर में कटिंग करेंगे, और कटिंग करके किस तरह से फोल्ड करते हैं वो बताएंगे, और टेम्परेचर वगैरह भी बताएंगे इसका। पूरा बेल लिया है और पूरा बराबर, ये देखना है कि आपने कहीं मोटा पतला ना हो। अब इसको एक फट्टी की मदद से इस तरह से कट कर लेंगे इसके पीस, ये देख सकते हैं इस तरह से। चलिए कट कर लेते हैं सारे, फिर दिखाते हैं। इस तरह की फटियां अलग अलग काट ली हमने, और उसके बाद एक के ऊपर एक इस तरीके से लगाएंगे, सारे इकट्ठे बराबर रखेंगे ताकि पीस सारे बराबर कटे आपके। तो गाइस अब इस तरीके से एक एक इंच की दूरी में इनको कट करेंगे, ये देखिए इस तरीके के। तो अब हो चुके हैं कटिंग इनकी, देखिए अब इसको फोल्ड किया जाता है, जो लगा लगा ये देखिए इस तरीके से फोल्ड किया जाएगा, और इस तरह ट्रे में रखा जाता है। ट्रे बेक करते करते काली हो जाती है, खराब ट्रे नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना। बाकी आप दिखाएंगे इसकी बेकिंग किस तरीके से करते हैं, कितने टेम्परेचर में करते हैं, ये सारा कुछ दिखाएंगे आपको। इसके ऊपर ये देखिए इस तरह के स्प्रे से पॉलिश किया जाता है दूध का, इसके ऊपर छिड़कना है, और उसके बाद बेकिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, ओवन के अंदर जाएंगे। तो गाइस अब ओवन के अंदर जा रहे हैं, ये टेम्परेचर ओवन का सेट कर लिया है 150 डिग्री में, और इनको बेक करेंगे 20 से 25 मिनट, फिर चेक कर लेंगे। उसके बाद बेक हो जाने के बाद आपको दिखाते हैं हम कैसे निकले हमारे चीज़ मरोड़ी। तो चलिए मिलते हैं अब बेक होने के बाद। तो गाइस बाहर निकालते टाइम मैं वीडियो बनाना भूल गया था, और मरोड़ी कुछ इस तरह की बनी हमारी, देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी, ये देख सकते हैं एकदम बढ़िया चीज़ वाली क्रिस्पी मरोड़ी बन चुकी है। बाकी वीडियो यहाँ तक देख ली तो आप कमेंट्स करना और शेयर करना और लाइक करना। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और वीडियो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, और क्या कुछ जानना है आपने, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।